नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू कमाई इन्वेस्टर की चैनल। आज हम बात करेंगे एमपीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड की। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों का प्यार काफ़ी मिला। उसमें बोला था कि मैंने इस स्टॉक में ग्रोथ आएगा बिकॉज ऑफ दी वॉल्यूम विच गॉट बाइंग एंड सेइंग। इस पर एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था मुझे स्टॉक पर, इसलिए मैंने बोला था कि इस टाइम बाय कीजिए और आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखा दिया। आज भी इसकी ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो 3.13% की ग्रोथ मिली है हमको और इस टाइम पे ये प्राइस 1.65 ओनली। अब बात करते हैं कि जो लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं स्टॉक में, उनको बाय करना चाहिए या नहीं, और जो लोग होल्ड किए हैं उसको उनको प्रॉफिट बुक करके जो जितना भी पैसे का प्रॉफिट बना उनका, या तो उनको सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो मैं इसकी आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैं नोटिस की है फिलहाल ही में। एक जो अपडेट रहेगा आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इसकी मार्केट कैप वगैरह की। जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मार्केट कैप 622, ये सब आपको पहले पता होगा, ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बिकॉज जो नए पर्सन होंगे जिनको इसमें इंटरेस्टेड है तो उनके लिए ये जानने जब काफ़ी जरूरी है, तो आप ये सब देख सकते हैं। डेप्ट इस पर है 24.05 करोड़ का, काफ़ी ज़्यादा डेप्ट नहीं है, बट एक चीज़ है जिसको हमको नोटिस करनी चाहिए। कैश देख सकते हैं 34 करोड़ का कैश इनके पास। EPS माइनस में है, सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है, एंड फिलहाल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डेट्स ऑल्सो इन दी माइनस। बट हम बात करते हैं ये सब कैसे सही हो सकते हैं। तो ये एक टाइम आएगा जब इसमें एक ग्रोथ अपने आप, जब रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है तो ये सब चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाती हैं, और ये कोई भी कंपनी के सेल्स ग्रोथ और ये सब सब उसकी प्रॉफिट बनाने, प्रॉफिट जनरेटिंग पावर पर डिपेंड करता है, एंड डेट वी विल सी लेटर इन दिस वीडियो। फिलहाल अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ में काफ़ी एक देखिए तो 94% माइनस में एक ईयर्स में इसका जो देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। बट एक पैनी स्टॉक में हमेशा आपको देखेगा क्या कि जब भी एक ऑपरेटर एंट्री होती है तब आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, और जब डाउन जाता है तब आपको अपना एक बोरिया बिस्तर तय करके निकल जाना है। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जब स्टॉक्स होते हैं तो इनमें जब अपवर्ड मूवमेंट चलता है तभी आप इनको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचें कि ये जब डाउनवर्ड जा रहे हैं तब हम इनको सेल कर दें, डेट कुड नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो इस चीज़ को आपको माइंड में बैठा के रखना है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ इस स्टॉक में मुझे क्या ऐसा देखने, चार्ट आप समझ सकते हैं कि इस प्लेस पर प्रमोटर की एंट्री हो चुकी है जनवरी 21 को, एंड फिलहाल अभी डेट 31 या कुछ है, तो इसकी जो धीरे 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 एक ग्रोथ बढ़ेगी बिकॉज ऑफ पीपल जो इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए इच्छुक थे और जिन ये स्टॉक पर नज़र बनाए रखनी थी। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है जनवरी 21 को, एंड अगर आप भी अगर देखेंगे तो ये 5 से 10 दिन तक इसमें एक इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बिकॉज अगर मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही तो अगर मार्केट ही डाउन गया तो ये भी हो सकता है डाउन चला जाए, बट इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अप जाएगा, अप जाते हुए ये 2 रुपये तक भी पहुंच सकता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इस टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बनती है आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑपरेटर एंट्री हुई है एंड यही मौका हमारे लिए होता है रुपये कमाने का। जब ऑपरेटर एंट्री करे पैनी स्टॉक्स में ये देखते रहना चाहिए, और मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ हमारे स्टॉक्स में जब भी कोई ऑपरेटर की एंट्री होती है बड़े, तो जैसे प्राइस अप जाएगा और उस टाइम पे आप उसमें दाव लगा सकते हैं। वेन एवर द आप समझ जाएं कि मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है अच्छी खासी, उस टाइम पे निकल भी जाना चाहिए। अदरवाइज इनके ऑपरेटर ने अगर अपनी एंट्री निकाल ली तो फिर उससे आपको दिक्कत भी हो सकती है, अदर क्योंकि आपका रुपये भी काफ़ी फंस सकता है उसमें। तो चलिए ये मैं आपको बताना चाहता आज के अपडेट। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया आदाब, चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।